Hey, what is going on guys? Welcome back to another video. So friends, इस वीडियो में मैं एक spy gadget बनाऊंगा from the movie Kingsman the Secret Service से. I'm sure आप में से बहुत लोगों ने ये movie जरूर देखी होगी, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद अब तक ये movie नहीं देखी होगी. तो पहले मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही amazing spy movie है और इस movie में बहुत सारे amazing spy gadgets है. बहुत सारे gadgets. इस movie का एक second part भी है, Kingsman the Golden Circle, और उस मूवी में भी नेक्स्ट लेवल के स्पाई गैजेट्स है. लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करूंगा. सो इस मूवी में एक कैरेक्टर है हैरी हार्ट. उसके पास एक स्पाई वॉच होती है जो कि एक्चुअली एक डार्ट गन होती है एक वॉच के फॉर्म में, और वो उस वॉच की हेल्प से अपने अपोनेंट्स पे डार्ट शूट कर सकता है. इस क्लिप को देखो. देखा, अमेजिंग वॉच है ना. अब ये जो डार्ट्स होते हैं वो कोई नॉर्मल डार्ट्स नहीं होते हैं, वो एमनीशिया डार्ट्स होते हैं. इन डार्ट्स में शायद किसी तरह का ड्रग या फिर कोई केमिकल लगा होता है, जिसकी वजह से जब ये डार्ट्स किसी भी अपोनेंट को जाके हिट करते हैं तो उस पर्सन की मेमोरी लॉस हो जाती है और उस मोमेंट पे जो भी चीजें हुई है वो सब वो भूल जाता है. सो फ्रेंड्स, अब इस गैजेट को मूवी से रियल लाइफ में लाते हैं. सो प्लीज आज की वीडियो पूरी एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और प्लीज इस वीडियो पे लाइक और कमेंट भी कर देना, क्योंकि इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा. और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना. और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, सो मुझे वहां भी जाके फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले वॉच की बॉडी बनानी है. तो मैं सोच रहा था कि बॉडी बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास हेयर वैक्स के बहुत सारे एम्प्टी बॉक्स पड़े हुए हैं. सो वॉच की बॉडी बनाने के लिए मैं उन्हीं में से एक बॉक्स का यूज कर रहा हूँ. ये ऑलमोस्ट परफेक्ट वॉच के साइज की है और इसमें इतनी स्पेस है कि इजिली दूसरे कंपोनेंट्स भी इसमें फिट हो सकते हैं. अब इसे रिस्ट में पहनने के लिए कुछ चाहिए, सो उसके लिए मैंने इस नायलॉन स्ट्रैप का यूज किया है, और इसको रिस्ट पे लॉक करने के लिए मैं इस वेलक्रो का यूज कर रहा हूँ. सो अब इस वेलक्रो को मैंने स्ट्रैप के एंड पोर्शन पे स्टिक कर दिया है, और उसके बाद स्ट्रैप को बॉक्स पे स्टिक कर दिया है. अब इस वॉच की बॉडी बनके कंप्लीट हो चुकी है और ये रिस्ट पे एकदम परफेक्टली फिट भी हो रही है. सो अब शूटिंग मैकेनिज्म बनाना है जिसकी हेल्प से हम लोग डार्ट्स को शूट करेंगे. सो सबसे पहले मैंने एक मेटल ट्यूब ली है. ये एक्चुअली जो लेजर किचन होती है ना, ये उसी के बाहर की बॉडी मैंने यूज की है, और इसके अंदर ही हम लोग डार्ट्स को रखेंगे और इसी में से डार्ट्स शूट भी होंगे. कैसे होंगे वो मैं आगे बताता हूँ. अब नेक्स्ट मैं इस नाइक्रोम वायर का यूज कर रहा हूँ. स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैंने इसे एक लूप का फॉर्म दे दिया है, और उसके बाद इसके एंड पॉइंट्स पे मैंने वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं. अब इस नाइक्रोम वायर की स्पेशलिटी ये है कि जब भी इसको पावर सप्लाई करेंगे तो ये इग्नाइट हो जाती है, और इसकी हेल्प से हम लोग चीजों को इजीली जला भी सकते हैं. इनफैक्ट कुछ इलेक्ट्रिक लाइटर्स में भी यही वायर यूज होती है. उसके बाद मैंने इस नाइक्रोम वायर को ट्यूब के एक होल में डाल दिया है और हॉट ग्लू गन की हेल्प से उस होल को पैक कर दिया है, एंड उसके बाद पूरे ट्यूब को इलेक्ट्रिक वायर से कवर कर दिया है ताकि सिर्फ सामने की ओपनिंग को छोड़ के ट्यूब के बाकी सारी ओपनिंग्स पैक हो जाए. अब जब डार्ट्स को ट्यूब के अंदर डालेंगे तब नाइक्रोम वायर और डार्ट के बीच में कोई ऐसी चीज रखनी है जिसे जब नाइक्रोम वायर की हेल्प से इग्नाइट करे तो वो ट्यूब में प्रेशर क्रिएट करे, ताकि वो प्रेशर फुल फोर्स में डार्ट्स को ट्यूब से बाहर पुश करे. सो इसके लिए मैं इस नाइट्रो सेल्यूलोस का यूज कर रहा हूँ, ऑल्सो नोन एज फ्लैश कॉटन. ये दिखने में तो एकदम नॉर्मल कॉटन जैसी दिख रही है, लेकिन जब इसको बर्न करेंगे तो ये एकदम रैपिडली जल जाती है, और जब इसको ट्यूब में डालेंगे और इग्नाइट करेंगे तब जब ट्यूब में प्रेशर क्रिएट होगा, और क्योंकि ट्यूब हर साइड से पैक है और सिर्फ सामने के साइड से ओपन है, तब वो एनर्जी उस ओपन साइड से बाहर निकलेगी और वो अपने साथ डार्ट्स को भी बाहर शूट करेगी. अब बॉक्स के साइड पोर्शंस पे मैंने दो होल्स बना दिए हैं और बड़े होल के अंदर उस मेटल ट्यूब को फिट कर दिया है. अब ट्रिगर बनाना है जिसकी हेल्प से नाइक्रोम वायर को कंट्रोल करेंगे ऑन या फिर ऑफ करने में. सो इसके लिए सिंपली मैं इस माइक्रो स्विच का यूज कर रहा हूँ. इसके पिंस में मैंने वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं और इसको बॉक्स के साइड में स्टिक करके इसके वायर्स को छोटे होल के अंदर डाल दिया है. अब नेक्स्ट इसको पावर सप्लाई करने के लिए मैं इस ड्यूरासेल की 9 वोल्ट की बैटरी का यूज कर रहा हूँ. बैटरी को मैंने हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्ट्रैप के बॉटम पे स्टिक कर दिया है, और उसके बाद इस कनेक्टर की हेल्प से बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, एंड कनेक्टर के वायर्स को भी छोटे होल में डाल दिया है, और उसके बाद नाइक्रोम वायर, माइक्रो स्विच और बैटरी के वायर्स को साथ में कनेक्ट कर दिया है एंड उनको इलेक्ट्रिक टेप से कवर कर दिया है. अब वॉच का शूटिंग मैकेनिज्म भी बनके रेडी हो चुका है. अब सिर्फ वॉच को कलर करना है. सो मैंने वॉच को रेड, ब्लैक एंड येलो एक्रेलिक पेंट से कलर कर दिया है, एंड अब ये दिखने में पहले से बेटर दिख रही है. आपने नोटिस किया होगा कि मैंने वॉच के इस डायरेक्शन में ट्यूब को लगाया है,
मतलब कि डार्ट्स यहाँ साइड से शूट होंगे। लेकिन मूवी में जो वॉच है उसमें तो इस डायरेक्शन से डार्ट शूट होते हैं, तो मैंने ट्यूब को इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लगाया? वेल, इसका रीजन ये है कि अगर डार्ट यहाँ से शूट करेंगे और अगर हाथ थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो रिस्क है कि डार्ट्स हमारे हाथ में भी लग सकती है, और अगर लग गई तो बहुत गंदा पेन होगा। इसलिए मैंने ट्यूब को इस डायरेक्शन में लगाया है ताकि डार्ट्स के लगने का रिस्क भी ना हो और हाथ भी सेफ रहे। कितना स्मार्ट हूं ना मैं? नहीं। सो फ्रेंड्स, अब बारी है डार्ट्स बनाने की। और हाँ, मैं एमनीशिया डार्ट्स नहीं बनाऊंगा, सिर्फ नॉर्मल डार्ट्स बनाऊंगा। अब एमनीशिया डार्ट्स क्यों नहीं बनाऊंगा, उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि मुझे पता नहीं कि डार्ट्स में कौन सा केमिकल लगा होता है जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाती है, ना ही मूवी में कहीं बताया है। सपोज अगर पता भी होता तो ये इजीली थोड़ी ना मिलेगा कहीं पे, और नॉर्मल लोग को तो बिल्कुल भी नहीं। और सपोज अगर मिल भी जाए तो टेस्ट कैसे करेंगे? ऐसा तो कर नहीं सकते कि किसी को सामने खड़ा करो और उस पर डार्ट शूट करो और फिर उसको पूछो, भाई तुझे कुछ याद है क्या, तेरे साथ क्या हुआ अभी अभी, कुछ भी याद आ रहा है क्या तुझे? नहीं कर सकते ऐसा। इसलिए एमनीशिया डार्ट्स को स्किप करते हैं और नॉर्मल डार्ट्स पे फोकस करते हैं। सो डार्ट्स बनाने के लिए मैं इस स्क्रू का यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसको डायरेक्ट ट्यूब में नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो, अगर स्क्रू को ट्यूब में डायरेक्ट डाल रहे हैं तो ट्यूब में ओपन स्पेस ज्यादा बच रही है, जिसकी वजह से ठीक से प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा ट्यूब में, और प्रेशर ओपन स्पेस से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से डार्ट्स अच्छे से शूट नहीं हो पाएंगे। सो अब स्क्रू को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि जब स्क्रू को ट्यूब में डाले तब वो ओपन स्पेस को अच्छे से पैक कर दे और डार्ट्स अच्छे से शूट हो पाए। सो डार्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए मैं इस फोम का यूज कर रहा हूँ। इस फोम को मैंने स्क्रू पे लगा दिया है और उसके बाद स्क्रू को इलेक्ट्रिक टेप से कवर कर दिया है। अब जब स्क्रू को इस ट्यूब में डालेंगे तब इस फोम की वजह से जो ओपन स्पेस थी ट्यूब में वो पैक हो जाएगी। सो मैंने इस तरह के टोटल 3 डार्ट्स बनाए हैं। सो फ्रेंड्स, किंग्समैन की डार्ट वॉच बनके रेडी हो चुकी है। सो चलो अब इसे टेस्ट करते हैं।